स्क्रीन थोड़ा तैयार रखेंगे तो हमें पता चलेगा कब आएंगे करके। राजभवन स्क्रीन दिखा दीजिए। सर्वेषामपि स्वागतम, शुभस्वागतम। कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य नूतनतया विनिर्मितस्य संशोधक छात्रभवनस्य अद्य लोकार्पण कार्यक्रमः वर्तते। अपि च कुलगुरु निवासस्य लोकार्पण कार्यक्रमः अस्ति, तथैव राष्ट्रीय परिषदः उद्घाटनम्। कार्यक्रमेस्मिन् उपस्थितानां मान्यवराणाम् अत्र सहर्षं स्वागतम्। सन्माननीयाः राज्यपाल महोदयाः, विश्वविद्यालयस्य अस्य कुलपतयः आभासी माध्यमेन अन्तर्जाल माध्यमेन अत्र अचिराद् उपस्थिताः भविष्यन्ति। तदनु सर्वेपि मान्यवराः सम्प्रार्थ्यन्ते मञ्चम् अलङ्कर्तुं, तावता वयं प्रतीक्षामहे, तेषां प्रतीक्षां कुर्मः। सर्वेपि सभागारे स्वस्थानम् अलङ्कुर्वन्तु इति अभ्यर्थना। अद्यतनकार्यक्रमे उपस्थिताः सन्ति अस्माकं विश्वविद्यालयस्य सन्माननीयाः कुलपतयः, महाराष्ट्रराज्यस्य राज्यपालवर्याः माननीयाः श्रीमन्त रमेशबैसवर्याः, तेषाम् अध्यक्षे कार्यक्रमोऽयम् अत्र आयोजितः। प्रमुखातिथिरूपेण उपस्थिताः सन्ति केन्द्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयः लालबहादुरशास्त्री नवदेहली इत्यतः प्रोफेसर् मुरलीमनोहर पाठकवर्याः, तेषामपि शुभस्वागतम्। अपि च अत्र उपस्थिताः सन्ति विशिष्ट अतिथिरूपेण विश्वविद्यालयस्य अस्य संस्थापककुलगुरवः प्रोफेसर् पङ्कज्चान्दे महोदयाः, तेषामपि शुभस्वागतम्। अपि च अत्र उपस्थिताः सन्ति विश्वविद्यालयस्य अस्माकं यजमानाः आतिथेयाः साम्प्रतकुलगुरवः प्रोफेसर् हरेरामत्रिपाठीवर्याः, तेषामपि अत्र सभागारे स्वागतम्। अचिरादेव तत्र माननीयानां राज्यपालमहोदयानाम् आगमनं भविता, तदनु वयं सर्वेपि कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। माननीयानां राज्यपालमहोदयानाम् आगमनात् परं राष्ट्रगीतेन कार्यक्रमस्य आरम्भः भविष्यति, तदा सर्वेपि स्वस्थाने उत्थाय राष्ट्रगीतगायनं कुर्वन्तु इति अभ्यर्थना। यदा तेषाम् आगमनं भवति, मिश्राजी अत एव तद् स्क्रीन् अत्र भवतु, तर्हि अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते तेषाम् आगमनं कदा इति। टेक्स्चुअल् क्रिटिसिसम् इन् संस्कृत् इत्यस्मिन् विषये राष्ट्रीयपरिषद् एकदिनात्मिका अद्य आयोजिता वर्तते, तस्याः अपि उद्घाटनम् अत्र भविष्यति। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नवदेहली राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थान् इति प्राचीनतमं नाम, तेषाम् आर्थिकसहयोगेन आयोजितायाः परिषदः अपि अद्य अत्र उद्घाटनं वर्तते। अपि च नूतनतया विनिर्मितस्य संशोधकछात्रभवनस्य कुलगुरुनिवासस्य च उद्घाटनं लोकार्पणं च अत्र भविता। एवं प्रकारेण आयोजितानां कार्यक्रमाणाम् अध्यक्षं वोढुम् अस्माभिः निमन्त्रिताः सन्ति महाराष्ट्रराज्यस्य राज्यपालवर्याः, तैः कारणवशादत्र प्रत्यक्षतया उपस्थातुं न शक्यते इति सूचितं, परम् आभासीमाध्यमेन अन्तर्जालमाध्यमेन ते अस्माभिः सह भविष्यन्ति इति निर्देशः प्राप्तः। अतः तेषाम् अध्यक्षे प्रोफेसर् हरिराम त्रिपाठीमहोदयानाम् आध्वर्ये च अद्यतनकार्यक्रमः अद्य आरप्स्यते। यथाक्रमं वयं माननीयानां राज्यपालमहोदयानाम् आगमनात् परं राष्ट्रगीतेन कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। अपि च महाराष्ट्रसर्वकारस्य आदेशानुगुणं महाराष्ट्रगीतं राज्यगीतमपि तदनु भविष्यति। अत्र छात्राणां कृते कार्यक्रमस्य अस्य साक्षात् प्रसारणं लैव् ब्राड्कास्ट् व्यवस्था तत्र शास्त्रार्थशालायां कृता वर्तते। अत्र आसन्दाः न्यूनाः इति हेतोः तत्रापि अस्माभिः पर्यायः कल्पितः अस्ति। समेपि छात्राः सूच्यन्ते, तत्र शास्त्रार्थशालायाम् उपविश्य ते कार्यक्रमस्य आस्वादनं कर्तुम् अर्हन्ति, तत्र ते उपस्थिताः भवन्तु इत्यपि सूचना।
विश्वविद्यालयस्य जालपुटे मुखपत्रे सर्वत्रापि अस्य कार्यक्रमस्य लाइव लिंक शेयर वर्तते तद्वारा अपि छात्राः तस्य कार्यक्रमस्य प्रत्यक्षीकरणं कर्तुम् अर्हन्ति इज बीइंग लाइव ब्रॉडकास्टेड थ्रू अवर केकेएसयू फेसबुक पेज एंड यू कैन गेट दैट लिंक फ्रॉम अवर वेबसाइट आल्सो सन्माननीयानां राज्यपाल महोदयानां आगमनम् अत्र जातं वर्तते सर्वेपि मान्यवराः सम्प्रार्थ्यन्ते ते मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु इति अद्यतन मञ्चम् अलङ्कुर्वन्तु तदनन्तरं राष्ट्रगीतेन आरम्भः भविष्यति सर्वेपि मान्यवराः प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठीवर्याः प्रोफेसर मुरलीमनोहर पाठक महोदयाः प्रोफेसर पंकज चांदे महोदयाः डॉक्टर रामचंद्र जोशीवर्याः सर्वेपि सम्प्रार्थ्यन्ते राष्ट्रगीतेन कार्यक्रमस्य आरम्भः भविष्यति राष्ट्रगीतगायनाय सर्वेपि सिद्धाः भवन्तु अस्माकं छात्राः राष्ट्रगीतगायनं करिष्यन्ति सन्माननीयाः राज्यपालमहोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते राष्ट्रगीतगायनं जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे तदनन्तरं महाराष्ट्रगीतं चालयिष्यन्ति महाराष्ट्रगीतार्थमपि सर्वे उत्थाय तिष्ठन्तु इति प्रार्थना महाराष्ट्रगीत प्लीज प्ले द सॉन्ग जय जय महाराष्ट्र सह्याद्रीचा सिंह गर्जत शिव शंभू राजा छाती वरी कोरली अभिमानाची लेणी ओलादी मन गटे खेळती खेळ जीव घेणी दारिद्र्याचा उन्हा तशिजला निढळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला दिल्लीचे ही दस्त गाणी धन्यवादः सर्वेभ्यपि प्रार्थना स्वीयं स्थालमलङ्कुर्वन्तु इति उद्घाट्य योगकलया हृदयाब्जकोशं धन्यैश्चिरादपि यथा रुचिगृह्यमाणः यः प्रस्फुरत्यविरतं परिपूर्णरूपः श्रेयस्समे दिशतु शाश्वतिकं मुकुन्दः नमस्सभायै साध्यक्षायै कविकुलगुरुकालिदासंस्कृतविश्वविद्यालयस्य नवनिर्मितस्य संशोधकछात्रभवनस्य कुलगुरुनिवासस्य लोकार्पणकार्यक्रमः अद्य वर्तते अपि च राष्ट्रीयपरिषदः अद्यत्र आयोजनमस्ति तस्याः अपि उद्घाटनमत्र भविता कार्यक्रमेऽस्मिन् समुपस्थिताः सन्ति अध्यक्षरूपेण अस्माकं महाराष्ट्रराज्यस्य सन्माननीयाः राज्यपालमहोदयाः मान्याः श्रीमन्तः रमेशबैसवर्याः आध्वर्यं कुर्वन्ति विश्वविद्यालयस्यास्य कुलगुरवः प्रोफेसर हरेराम त्रिपाठीवर्याः अपि च प्रमुखातिथिरूपेण निमन्त्रिताः सन्ति केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः नवदेहली लाल् बहादुर् शास्त्री
एतस्य कुलगुरवः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकवर्याः सारस्वत अतिथिरूपेण उपस्थिताः सन्ति अस्माकं संस्थापक कुलगुरवः प्रोफेसर पंकज चांदे महोदयः अपि च अस्माकं माननीयः कुलसचिवः डॉक्टर रामचंद्र जोशीवर्यः अत्र उपस्थितः वर्तते सर्वेषामपि स्वागतमत्र यथा परंपरां वयं विश्वविद्यालयगीतेन कार्यक्रमस्य आरंभं कुर्मः विश्वविद्यालयगीतगायनार्थम् अहं पुनश्च एकवारम् अस्माकं विश्वविद्यालयच्छात्राः अत्र सम्प्रार्थये धन्यवादाः छात्राः उपस्थितानाम् अतिथीनां समेषामपि स्वागतस्य इयं वेला तत्रादौ सर्वप्रथमम् अद्यतनकार्यक्रमस्य अध्यक्षं वहन्ति महाराष्ट्रराज्यस्य सन्मानीयाः राज्यपालवर्याः विश्वविद्यालयस्यास्य सन्मानीयाः कुलपतयः मान्याः श्रीमन्तः रमेशबैसमहोदयः तेषां सर्वादौ स्वागतं विश्वविद्यालयपक्षतः सम्माननं च विधातुम् अहं राजभवने उपस्थितान् विश्वविद्यालयस्य डॉक्टर दिनकर मराठेवर्यान् संप्रार्थये ते तत्र अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः उपस्थितानां माननीयानां राज्यपालमहोदयानां स्वागतं सम्माननं च कुर्वन्तु इति नौ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर दिनकर मराठेजी हु इज प्रेजेंट देयर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ केकेएसयू ऑन बिहाफ ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर हरिराम त्रिपाठी जी आई रिक्वेस्ट हिम टू प्लीज वेलकम एंड फेलिसिटेट ऑन बिहाफ ऑफ केकेएसयू
पुष्पफल प्रदानेन रंगव प्रदानेन विश्वविद्यालयस्य स्मृतिचिह्न प्रदानेन च अस्माकं विश्वविद्यालय पक्षतः सन्माननीयानां राज्यपाल महोदयानां हार्दं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम् अभिवादनं च। इमे अद्यतन कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः विश्वविद्यालयस्य सन्माननीयाः कुलपतयः सन्ति, तेषां अस्माकं पक्षतः स्वागतम् एवञ्च सम्माननं कुर्वन्ति। रत्नागिरि उपकेन्द्रस्य निदेशकः डाक्टर् दिनकर मराठे महोदयः, धन्यवादाः महोदयाः। सम्प्रति अत्र मञ्चम् अधिरूढाः ये मान्यवराः सन्ति तेषां स्वागतं सम्माननं च कर्तुम् अहं पुनः उपस्थितान् प्रार्थये। तत्रादौ अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः प्रोफेसर् हरिराम त्रिपाठीवर्याः अद्यतनकार्यक्रमस्य अस्य आध्वर्यं कुर्वन्ति, आतिथेयाः यजमानाः, तेषां स्वागतं कर्तुं सम्माननं च कर्तुम् अहं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवमहोदयान् डाक्टर् रामचन्द्रजोषिवर्यान् सम्प्रार्थये। सर्वेषां पक्षतः महोदयानां स्वागतं सम्माननं च कुर्वन्तु इति। ऐ रिक्वेस्ट् आनरेबल् रजिस्ट्रार् डाक्टर् रामचन्द्रजोषिजी टु वेल्कम् आनरेबल् वैस् चान्सलर् आफ़् KKSU प्रोफेसर् हरिराम् त्रिपाठीजी। रङ्गवप्रदानेन स्मृतिचिह्नप्रदानेन तेषां स्वागतं सम्माननं च अत्र कुर्वन्ति विश्वविद्यालयस्य सन्माननीयाः कुलसचिवः डाक्टर् रामचन्द्रजोषिवर्याः। प्रोफेसर् हरिराम् त्रिपाठीवर्याः विगतमासत्रयात् अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुरूपेण नियुक्ताः सन्ति। महर्षि बादरायन राष्ट्रपतिपुरस्कारेण सम्मानिताः, इमे नैकैः पुरस्कारैः सम्मानिताः सन्ति। साम्प्रतं विश्वविद्यालयस्य अस्य वाध्वर्यं कुर्वन्ति तैः यः तेषां स्वागतं। तदनु अहं सम्प्रार्थये माननीयान् कुलगुरुमहोदयान् हरिराम त्रिपाठीवर्यान् यत् ते अद्यतनप्रमुखातिथीनां प्रोफेसर् मुरलीमनोहर पाठकवर्याणां स्वागतं कुर्वन्तु इति। प्रोफेसर् मुरलीमनोहर पाठकवर्याः अस्य कार्यक्रमस्य प्रमुखातिथयः सन्ति। इमे लालबहादुर् शास्त्री केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सन्माननीयाः कुलपतयः सन्ति। एतैरपि राष्ट्रपतिपुरस्कारः अधिगतः वर्तते, अपि च पञ्चसप्तत्यधिकशोधपत्राणां प्रकाशनं, एकपञ्चाशदधिकानां पुनश्च सहभागः, अपि च पुस्तकद्वयस्य प्रकाशनं, विविधप्राशासनिकसमितिषु च तेषां मार्गदर्शनं वर्तते। हाङ्काङ्ग् इत्यत्र विश्वहिन्दीसम्माने ते समलङ्कृताः सन्ति। उत्तरप्रदेशसर्वकारद्वारा विशिष्टपुरस्कारेण सम्मानिताः सन्ति, तेषामपि अस्माकं विश्वविद्यालयपक्षतः स्वागतं सम्माननं। तदनु अहं पुनश्च सम्प्रार्थते माननीयान् हरिरामत्रिपाठीवर्यान् यत् ते सारस्वततिथिरूपेण उपस्थितानां डाक्टर् पङ्कजचान्देमहोदयानां स्वागतं सम्माननं च कुर्वन्तु इति। डाक्टर् पङ्कजचान्देमहोदयाः अस्मासु विद्यमानाः ज्येष्ठाः, देशस्यास्य विद्वद्मूर्धन्यः, विश्वविद्यालयस्यास्य संस्थापककुलगर्वः सन्ति। राष्ट्रपतिपुरस्कारेण सम्मानिताः, इमे मानद डिलिट् उपाधिना अपि सम्मानिताः सन्ति। समग्रे देशे संस्कृतस्य नेतृत्वं वहन्तः, इमे AIU इति संस्थायाः अपि अध्यक्षं कृतवन्तः, अपि च देशे संस्कृतस्य दिशानिर्धारणे एतेषां महद् योगदानं वर्तते, तेषां विश्वविद्यालयपक्षतः स्वागतं सम्माननं। धन्यवादाः महोदयाः। एतदनन्तरम् अहं डाक्टर् प्रसादगोखलेमहोदयः BPD डैरेक्टर् तं सम्प्रार्थये कुलसचिवमहोदयानां डाक्टर् रामचन्द्रजोषिमहोदयानां ते पुष्पगुच्छप्रदानेन स्वागतं कुर्वन्तु इति। अपि च सभायाम् उपस्थिताः सन्ति विश्वविद्यालयस्य अस्य अधिष्ठातारः, अधिकारिणः, कर्मचारिणः, अध्यापकाः, छात्राः, राष्ट्रियपरिषद्निमित्तं निमन्त्रिताः विद्वांसः, तेषां सर्वेषामपि अहं शब्दसुमनोभिः स्वागतं व्याहृत्य साम्प्रतं विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुमहोदयान् प्रोफेसर् हरिराम त्रिपाठीवर्यान् क्षम्यताम् आचार्यः, इदानीं तावत् मान्याः राज्यपालमहोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते लोकार्पणं कर्तुम्। आनरेबल् गवर्नर् महोदयाः, महाराष्ट्रराज्यस्य राज्यपालमहोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते डिजिटलि एतस्य इनागरेशन् कुर्वन्तु इति। नूतनतया विनिर्मितं यद् भवनं वर्तते, संशोधकछात्रभवनम्, अपि च कुलगुरुनिवासः, एतस्य भवनस्य लोकार्पणं महाराष्ट्रराज्यस्य माननीयानां राज्यपालमहोदयानां करकमलाभ्यां जायमानं वर्तते। तत्र ते पिञ्जनोदनेन एतस्य उद्घाटनं कुर्वन्ति, सम्प्रति तद् उद्घाटितम् इति ते
तेषां पक्षतः अत्र अहम् उद्घोषये महाराष्ट्रराज्यस्य माननीय राज्यपाल महोदयैः श्रीमन्त रमेश महोदयैः उद्घाटनं कृतं वर्तते। तदर्थं तेषां भूरिशः धन्यवादाः। साम्प्रतम् अहं विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुमहोदयान् प्रोफेसर् हरेरामत्रिपाठिवर्यान् सम्प्रार्थये ते स्वागतभाषणं प्रास्ताविकञ्च कुर्वन्तु इति। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। परमश्रद्धेयाः निरक्षीरविवेकिनः सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्य भूषितं कायः परहिते यस्य एवं भूताः सात्विक बुद्धिमन्तः श्रीमन्तः सततं प्रियवादिनः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः च महाराष्ट्रप्रदेशस्य राज्यपाल महोदयः श्रीमन्तः रमेश वैश्य महाशयः। अस्माकम् अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य अतिथयः प्रोफेसर् मुरली मनोहर पाठक महोदयः, अस्माकं विश्वविद्यालयस्य प्रथम कुलगुरवः संस्थापकः प्रोफेसर् पंकज चादे महोदयः, डाक्टर् रामचन्द्र जोशी महोदयः समुपस्थितः, प्रोफेसर् मधुसूदन पेन्ना महोदयः अन्ये समुपस्थिताः, विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकाः सभ्यः भ्रातरः भगिन्यः पत्रकाराः प्रियांशः छात्रा छात्र्याश्च। एकदिवसीयायां राष्ट्रियसङ्गोष्ठ्याम् उद्घाटनसमारोहे अस्य संशोधक छात्रभवनस्य गुरुकुलनिवासस्य च लोकार्पणसमारोहे अस्य समारोहस्य अध्यक्षाणां श्रीमताम् अस्माकं कुलपतीनां महाराष्ट्रप्रदेशस्य राज्यपालमहोदयानां प्रमुखप्रीतिवचनेन स्वागतं करोमि। तदनन्तरं मुख्यातिथीनां श्रीलालबहादुरशास्त्री राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलगुरूणां प्रोफेसर् मुरलीमनोहरपाठकमहोदयानाम् अथ च विशिष्टातिथीनाम् अस्य विश्वविद्यालयस्य संस्थापककुलगुरूणां प्रमुखप्रीतिवचनेन स्वागतं करोमि। विश्वविद्यालयस्य प्राध्यापकानाम् अधिकारिणां कर्मचारिणां पत्रकाराणां छात्राणां च स्वागतं करोमि। सर्वेषाम् अवबोधाय हिन्दीभाषायां वदामि। संस्कृतं सर्वसंसेव्यं भविष्यं संस्कृतव्यं नवोन्मेष नवाचारः समाश्रितपरम्परा संस्कृतं सर्वेषां भविष्यं संस्कृतं, ये हमारे विश्वविद्यालय का घोषवाक्य है। इसको लेकर के भविष्य में पंचवर्षीय योजना में हम जो कार्य करेंगे उसका विवरण हम संक्षिप्त में प्रस्तुत करना चाहते हैं। विगत तीन मास में 7 जून को हमने ज्वाइन किया, उसके बाद शास्त्र संरक्षण संवर्धन हेतु समाज में संस्कृत प्रचार प्रसार हेतु निम्न कार्य किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन, संस्कृत दिन हेतु एक मासिक जो संस्कृत महोत्सव है उसका आयोजन, कालिदास दिवस पर व्याख्यान, भारतीय ज्ञान परंपरा पर पंच दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, नासिक में राष्ट्रीय वेद परिषद और शास्त्र सभा का आयोजन, शोध संहिता का प्रकाशन, रत्नागिरी उपकेंद्र में EMS FDA के समन्वय से शासन द्वारा प्राप्त आर्थिक सहयोग से 5 दिवसात्मक अध्यापक महाराष्ट्र अध्यापक प्रशिक्षण का आयोजन, 5 दिवसीय मुक्त स्वाध्याय का आयोजन, 3 दिवसीय पाली प्राकृत की राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन, स्नातकोत्तर शैक्षिक अंकेक्षण VCC अभियांत्रिकी महाविद्यालय द्वारा MOU इत्यादि कार्य संपादित किए गए। और चूँकि एक मास में 56 विद्यालयों द्वारा संस्कृत नाटकों का आयोजन, इस विश्वविद्यालय से 5 वर्ष में जो हमारा एक विजन है उस विजन में जो कार्य करना है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एवं माननीय महाराष्ट्र राज्यपाल महोदय के निर्देशन में वैश्विक स्तर पर भारतीय ज्ञान परंपरा को संस्कृति, भारतीय संस्कृति और संस्कृत को स्थापित किया जाएगा। संस्कृत विश्वविद्यालय के सभी अभ्यासक्रम भारतीय ज्ञान परंपरा से संबद्ध होंगे। NAIC द्वारा A++ के लिए निरंतर हम सतत प्रयास करके लाने का प्रयत्न हम सभी मिलकर करेंगे। और चूंकि बारंगा परिसर में IKS के लिए विकास हेतु प्रधानमंत्री उषा के अंतर्गत 120 करोड़ की परियोजना शासन को समर्पित की गई, इसके प्राप्त होने पर जो हमारा बारंगा परिसर जो 50 एकड़ में विद्यमान है उसको अंतर्राष्ट्रीय बारंगा परिसर का विकास किया जाएगा। विश्वविद्यालय के मुक्त स्वाध्यायपीठ को सक्षम बनाना, परवड़ी पूना नादेड़ में भू ग्रहण कर उपकेंद्रों की स्थापना करना, विशेष करके रत्नागिरी उपकेंद्र में 5 एकड़ जमीन
की प्रक्रिया चल रही है उसको प्राप्त करके योग प्रशिक्षण अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करना एनईपी 2020 के पृष्ठ संख्या 4 में चरक आदि 19 महर्षियों की चर्चा की गई है, उनके सिद्धांतों के आधार पर बारंगा परिसर को विकसित करना, मेधावी विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता देना, राम टेक में गुरुकुल को और विकसित करना, समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा का विकास करना, बौद्ध स्टडी सेंटर के माध्यम से तिब्बत, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका आदि के अध्यापकों और छात्रों को आकर्षित करना विश्वविद्यालय की तरफ, महाराष्ट्र के सभी विद्यार्थियों को आईकेएस के माध्यम से आकर्षित करना आदि कार्य पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत है। नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के माध्यम से संस्कृत नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की बारंगा परिषद में स्थापना करना, दुर्लभ पांडुलिपियों के समीक्षात्मक संपादन एवं अनुवाद की परियोजना का क्रियान्वयन कराना जो एनईपी 2020 के अंतर्गत है, विश्वविद्यालय द्वारा परिलक्षित की गई है। कक्षा 1 से 12 तक बारंगा परिसर में संस्कृत मीडियम के कॉन्वेंट स्कूल का केंद्र सरकार की सहायता से एक स्थापित करना, माननीय मुख्यमंत्री जी, उपमुख्यमंत्री त्रय तथा माननीय राज्यपाल महोदय, महाराष्ट्र की अनुमति से केंद्र सरकार की आर्थिक सहायता इस विश्वविद्यालय को मध्य भारत में होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य हमारे विश्वविद्यालय द्वारा पंचवर्षीय योजना में की गई है। शास्त्री आदिवासी एनईपी 2020 के अध्याय 22 शीर्षक 17 में परिकल्पित शास्त्री आदिवासी और लुप्त प्राय भारतीय भाषाओं के संरक्षण हेतु प्रौद्योगिकी एवं क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से बारंगा परिषद में संरक्षण करने का प्रयास किया जाएगा। 27 अक्टूबर 2023 को माननीय कुलपति महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय की अध्यक्षता में ज्ञानेश्वरी भवन स्वर्गीय कमलाकर तोतड़े सांस्कृतिक सभागृह के लोकार्पण की योजना है। विषय तो अत्यधिक है जो हम पाँच वर्षीय योजना में कर सकते हैं, समय अभाव होने के कारण पुनः पौनः पुण्येन महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय इस विश्वविद्यालय के कुलपति का पौनः पुण्येन स्वागत करते हुए, मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि का स्वागत करते हुए और समक्ष विद्यमान विविध विभूतियों का स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम, जय तु कवि कुल गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय। धन्यवाद महोदय। संस्कृतं सर्वसंसेव्यम् इति भावना मुररीकृत्य विश्वविद्यालयस्य यत्किञ्चित् कार्यं प्रचलति तस्य सारः महोदयैः उपस्थापितः। सम्प्रति अहं पुनरेकवारं महाराष्ट्रराज्यस्य माननीयान् राज्यपालमहोदयान् सम्प्रार्थये यत् विश्वविद्यालयस्य या त्रैमासिकी पत्रिका वर्तते वैदर्भी तस्याः प्रकाशनं कुर्वन्तु, अपि च मञ्चस्थाः मान्यवराः अपि सम्प्रार्थ्यन्ते तेऽपि अत्र वैदर्भी इति अस्माकं या त्रैमासिकी पत्रिका वर्तते तस्याः ते विमोचनं कुर्वन्तु, लोकार्पणं कुर्वन्तु। अत्र विशेषतया विश्वविद्यालयेन ये ये कार्यक्रमाः आयोज्यन्ते, यश्च विकासः साधितः भवति मासत्रये, तेषां सर्वेषामपि सचित्रं विवरणं भवति, तस्याः प्रकाशनं अत्र इदानीं जायमानं वर्तते। माननीयाः राज्यपालमहोदयाः, श्रीमन्तः रमेशबैसमहोदयाः, अपि च मञ्चे उपस्थिताः सर्वेपि मान्यवराः तस्याः प्रकाशनं कुर्वन्तः सन्ति। वैदर्भी इति पत्रिका अत्र प्रकाशिता। धन्यवादः सर्वेषां, थैंक यू एवरीवन। अपि च सामाजिकं कार्यमपि अस्माभिः क्रियमाणं वर्तते इति यथा निर्दिष्टं माननीय कुलगुरुमहोदयैः, तस्यैव किञ्चिदेकम् अङ्गम् आदाय आदानं हि विसर्गाय सतां वारिमुचामिव इति कृत्वा अस्माकं विश्वविद्यालयस्य औट्रिच् पक्षतः समाजे गत्वा अस्माभिः कार्यं क्रियते। याः महिलाः अत्र वैधव्यं प्राप्य आर्थिकदृष्ट्या अत्यन्तम् अविकसिताः सन्ति तासां कृते विविधकौशल्यप्रशिक्षणं प्रदाय ताभ्यः प्रशिक्षणं दीयते। तास्येव काश्चन महिलाः अत्र चिताः सन्ति याभ्यः अद्य विश्वविद्यालयपक्षतः तद् मशीन् प्रदानं क्रियमाणं वर्तते। तर्हि तत्र अहं विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुवर्यान् प्रोफेसर् हरेरामत्रिपाठिवर्यान् सम्प्रार्थये यत् ते महिलानां कृते तस्याः प्रदानं प्रातिनिधिकरूपेण सर्टिफिकेट् प्रमाणपत्रं प्रदाय कुर्वन्तु इति। सर्वप्रथमं तत्र या महिला वर्तते सा अत्र आगच्छतु, तत्र प्रमाणपत्रवितरणं क्रियते। सतना, अनन्तरम् अपि च द्वितीया महिला।
उभे अपि अत्र आगच्छन्तु इति प्रार्थना। विश्वविद्यालयः समाजे गत्वा कौशल्यप्रशिक्षणं प्रदाय जनानां कृते संस्कृतमाध्यमेन यत्किञ्चित् कार्यं करोति तस्य प्रातिनिधिकं स्वरूपम् अत्र अस्ति। एतेभ्यः सेण्टर् फार् औट्रीच् द्वारा सीविङ्ग् मशीन् प्रदानं क्रियमाणं वर्तते विश्वविद्यालयपक्षतः। अतः अहं सम्प्रार्थये उपस्थितान् मान्यवरान् यत् ते प्रमाणपत्रप्रदानेन प्रातिनिधिकरूपेण अत्र तस्य प्रदानं कुर्वन्तु। आनरेबल् वैस् चान्सलर् इस् रिक्वेस्टेड् टु डिस्ट्रिब्यूट् द सेविङ्ग् मशीन् सर्टिफिकेट् टु द needy ladies who are trained under the outreach program of the KKSU. Thank you, sir. Apicha vayam sarve janimaha vigatam asad dvayat samagre deshe kashchana ekaha nutanaha upakramaha arabdhaha vartate meri mati mera abhiyaniti mananiyanam shrimatam pantapradhana mahodayanam narendra modi varyanam adhvarye samagre deshe karyakramoyam sanchalyate asmakam api rashtriya seva yojana pakshataha ayam karyakramaha atra ayojitaha asti तदर्थं किञ्चिदेकं प्लेज् वी हेव् टु टेक् वन् प्लेज् आफ् मेरी माटी मेरा देश् एण्ड् इट् ईस् कोर्डिनेटेड् बै द एन् एस् एस्। तर्हि अत्र सभागृहे उपस्थितान् अहं सम्प्रार्थये ते स्वस्थाने उत्थाय प्लेज् स्वीकारं कुर्वन्तु। पञ्चप्राण् शपथ म्हणजेच माझी माती माझा अभिमान अशी एक संकल्पना सन्माननीय पंतप्रधान मोदी महोदयांच्याद्वारे समग्र देशात सुरू आहे, ती आपण एन एस एसच्या वतीने इथे घेत आहोत। या शपथेचं मी वाचन करतो, आपण केवळ फक्त ओम असं शेवटी म्हणावं। आम्ही शपथ घेतो की भारतास 2047 पर्यंत आत्मनिर्भर आणि विकसित राष्ट्र बनविण्याचे स्वप्न साकार करू। गुलामीची मानसिकता मुळापासून नष्ट करू। देशाच्या समृद्ध वारशाचा गौरव करू। भारताची एकात्मता बलशाली करू आणि देशाचे संरक्षण करणाऱ्यांप्रती सन्मान बाळगू। देशाचे नागरिक म्हणून सर्व कर्तव्यांचे पालन करू। धन्यवाद। मञ्चे उपस्थितान् मान्यवरान् सम्प्रार्थयते प्रार्थनिकरूपेण मृत्तिकायाः आरोपणं तत्र कुम्भे घटे कुर्वन्तु इति। एषः कुम्भः मृत्तिकापूरितः घटः सर्वत्र देशे इदानीम् आयोज्यमानः वर्तते। एषा मृत्तिका अन्ततो गत्वा देशे विशिष्टं कार्यं सम्पादयितुम् उपयुज्यते इति निवेदनं वर्तते। प्रतिज्ञानिमित्तं सर्वेषामपि धन्यवादाः। सर्वेपि स्वस्थाने उपविशन्तु इति प्रार्थना। सम्प्रति कार्यक्रमे उपस्थिताः सन्ति प्रमुखातिथिरूपेण लालबहादुरशास्त्रीकेन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सन्माननीयाः कुलपतयः प्रोफेसर् मुरलीमनोहरपाठकवर्याः। तान् सम्प्रार्थये अत्र स्वीय उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। महद्भूतस्य एतस्य कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथितेऽस्मिन् कार्यक्रमे, तत्र कार्यक्रमद्वयं वर्तते इदानीं। प्रथमस्तावत् छात्रसंशोधन छात्रभवनस्य लोकार्पणम्, अनन्तरं च कुलगुरुनिवासस्य लोकार्पणम्, अथ च अन्यः महत्वपूर्णः यः कार्यक्रमोऽस्ति सः पाठालोचनं लक्ष्यीकृत्य एकदिवसीयाः सङ्गोष्ठ्याः उद्घाटनसत्रम्। अत्र समग्रेपि सत्रेऽस्मिन् समग्रस्यापि सत्रस्य सादस्पत्यं निभालयन्तः तत्र भवन्तः श्रीमन्तः महाराष्ट्रराज्यस्य राज्यपालाः अथ च विश्वविद्यालयस्यास्य कुलपतिपदमलङ्कुर्वाणाः श्रीमन्तः श्रीरमेशबैस्महाभागाः। कार्यक्रमस्यास्य
विशिष्टातिथि सारस्वतातिथि पदम मलं कुर्वाणाः अस्य विश्वविद्यालयस्य संस्थापक कुलगुरवः आचार्याः श्रीमन्तः पंकज चांदे महाभागाः इदानीं अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलगुरुपदं समलं कुर्वाणाः आचार्याः हरे राम त्रिपाठी महाभागाः अधिमंचं विराजमानाः विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः श्रीमन्तः डॉक्टर रामचंद्र जोशी महाभागाः उपमंचं विराजमानाः विश्वविद्यालयस्य प्राक्तन कुलपतये अस्मत् स्वरितः आचार्याः मधुसूदन पेन्ना महाभागाः श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य साहित्य संस्कृति संकायाध्यक्षाः आचार्याः शीतला प्रसाद शुक्ल महाभागाः एवमेव विश्वविद्यालयस्य संकायाध्यक्षाः विभागाध्यक्षाः आचार्याः सहाचार्याः सहायकाचार्याः सर्वे अधिकारिणः कर्मचारिणः विद्यार्थिनश्च मान्याः महितेस्मिन् कार्यक्रमे अत्र भवतां समेषां पुरतः आत्मानं समुपस्थाप्य अत्यन्तं मोमुदीं वस्तुतः अत्रत्यं समग्रमपि दृश्यं दर्शं दर्शं मोमुद्यते नश्चेतः अयं कार्यक्रमः अत्यन्तं मनोरमः वर्तते समयः अल्पीयान् इव जायते अतः उद्घाटनानन्तरं तत्र कुलपतिवर्यैः राज्यपालवर्यैः भवनद्वयस्य लोकार्पणम् अस्माकं पुरतः कृतं जातम् इदानीं या शोधसङ्गोष्ठी वर्तते शोधचर्चासत्रं वर्तते तत्र वाक्यद्वयमेव वक्तुमीहे तत्र भवन्तः जानन्त्येव इदानीं टेक्स्चुअल् क्रिटिसिजम् इत्यस्ति यः विषयः साहित्यविषये पाठालोचनं पाठानुसन्धानं वा देवभाषायां वक्तुं शक्यते तत्र भारते पाठालोचनस्य महती काचन पुरातनी परम्परा वर्तते इदानीम् एका अन्या परम्परा वर्तते या खलु शोधम् आश्रित्य सन्तिष्ठते किन्तु या पुरातनी दृष्टिः वर्तते तत्रापि ये ये सूत्रग्रन्थाः लिखिताः आसन् तत्र तेषु वार्तिकानि लिखितानि जातानि अनन्तरं च भाष्यानि प्रणीतानि तत्र सूत्राणां समालोचनं पाठालोचनं वार्तिकेषु अभवत् एवमेव वार्तिकानां सूत्राणां च इति द्वयोरेव समालोचनं भाष्यादिग्रन्थेषु सर्वत्र दृश्यते यतः एकम् उदाहरणं व्याकरणशास्त्रस्य अहं दातुं ये तत्र वर्तते सूत्रमेकं पाणिनेर्महामुनेः उरण रपरः इति सूत्रं वर्तते नागेशेन तत्र टीकायां तत्र आलोचनायां कृतं लिखितं वर्तते तत्र उरण रपरः इत्यस्य स्थाने उरण लपरः इति भवितुमर्हति एवमेव बहूनि उदाहरणानि सन्ति तत्र यत्र पाठस्य मूलपाठस्य सूत्रपाठस्य वा वार्तिकपाठस्य वा भाष्यपाठस्य वा समालोचनं बहुभिः कृतम् एवमेव महाभाष्यस्य या महाभाष्याख्यः यः ग्रन्थो वर्तते तत्र कात्यायनस्य समीक्षा कृता कात्यायनपाठानां समीक्षा कृता कात्यायनस्तु पाणिनिसूत्राणां समीक्षां कृतवान् एवमेव तत्र कैयटः आसीत् सः महाभाष्यस्य विभिन्नानां पदानां समालोचनं कृत्वा तत्र नैकानि पदानि स्थापयामास एवमेव प्रदीप उद्योतकारः नागेशः तमपि समालोच्य किञ्चन अन्यं पाठं प्रस्तुति कृतवान् एवमेव अस्माकम् अत्यन्तं दीर्घा परम्परा वर्तते न्यायसूत्रादिविषयेपि सर्वत्र गौतमादारभ्य वाचस्पतिपर्यन्तं पाठानां सम्यक् आलोचनं कृतम् तत्तु इयं परम्परा तु अस्माकं पुरातनी परम्परा वर्तते इदानीं शोधदृष्टिं समाश्रित्य या परम्परा वर्तते तत्र केचन मन्ये चत्वारश्चरणाः अत्र वर्तन्ते पाठसमीक्षणस्य पाठालोचनस्य पाठविकृतेः संशोधनस्य इत्यादि बहवः तत्र प्रसङ्गाः बहवः तत्र प्रतानाः सन्ति येषां समीक्षा कार्यक्रमेऽस्मिन् भवितुमर्हति मत्कृते केवलं पञ्चनिमेषाः एव निर्धारिताः अतः महाकालनगर्याः वासित्वेन अहं कालम् अनतिक्रम्येव किञ्चित् वच्मि अतः एतावद्भिरेव वचोभिः तत्र उपस्थितान् सर्वानेव भवतः प्रणम्य मञ्चं च प्रणम्य आत्मनः वाचम् इमाम् उपसंहरामि इति शम् धन्यवादः तत्र भवताम् आचार्यः केवलं व्याकरणशास्त्रस्य अनध्ययनात् सकलं शकलं भवेदित्यनास्ति अपि तु मातृकानां पाठसमालोचनाभावादपि भवितुमर्हति इति अभिप्रायोऽयं दर्शितः भवद्भिः तदर्थं नैके धन्यवादाः साम्प्रतम् अहम् अद्यतनकार्यक्रमस्य सारस्वत अतिथिवर्यान् अस्माकं संस्थापककुलगुरुमहोदयान् प्रोफेसर् पङ्कजादे महोदयान् सम्प्रार्थय स्वीय उद्बोधनेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति
आज के इस कार्यक्रम में जिनके मंगलमय चरण कमलों से कर कमलों से ये आज के शोध छात्रों के निवास का उद्घाटन हुआ, वो महामहिम परमादरणीय श्रीमंत रमेश बैस महोदय, इस विश्वविद्यालय के सक्रिय एवं विद्वान कुलगुरु आचार्य हरेश राम त्रिपाठी महोदय, अभी जिनका वक्तव्य आपने सुना वो लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के अध्यक्ष यानी कुलपति आदरणीय मुरली मनोहर पाठक महोदय, यहाँ पे आए हुए आदरणीय प्राध्यापक शीतल प्रसाद शुक्ल महोदय, आचार्य कविता होले महोदया, पराग जोशी महाभाग, विश्वविद्यालय के कुलसचिव आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र जोशी महोदय तथा प्राध्यापक हरे कृष्ण अगस्थी महोदय जो इस परिसर के प्रधान हैं। मैं बहुत आनंदित आज हूँ कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के प्रथम पुरुष आदरणीय महामहिम रमेश बैस जी के करकमलों द्वारा यहाँ पे छात्र संशोधक छात्रों के भवन का उद्घाटन हुआ है और ये एक मेरे दृष्टि से बहुत बहुत बड़ी बात है और उन्हीं के हाथों से आज संस्कृत साहित्य में पाठ्य चिकित्सा इस चर्चा सत्र इस एकेडमिक एक्टिविटी जो है इस चर्चा सत्र का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। बहुत खुशी की बात है आज कि ये दोनों काम आज हुए हैं। मुझे खुशी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति के नाते इस विश्वविद्यालय की नींव रखने में मेरा कुछ योगदान था और धीरे धीरे इस विश्वविद्यालय का विकास होते गया। आज संस्कृत विश्वविद्यालय को कम से कम आज 26 साल पूर्ण हुए हैं और 26 सालों का जो मैंने विकास देखा है तो वो बहुत बड़ा आश्चर्यजनक ऐसा विकास है। इसका कारण ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में करीबन 16 संस्कृत विश्वविद्यालय है, इसके अलावा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के 10 या 12 कुछ परिसर है। इस सभी में जब थोड़ी तुलना की गई तो इस विश्वविद्यालय का अग्रक्रम मिला इस विश्वविद्यालय को। इसलिए इस विश्वविद्यालय ने 26 साल में कितनी प्रगति की है ये एक बहुत खुशी की बात है। जैसा शुरू में ही कुलपति जी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को NAC यानी दर्जा जब तय होता है किसी विश्वविद्यालय का एक्रेडिटेशन होता है, उस एक्रेडिटेशन में भी इस विश्वविद्यालय को A+ का स्थान प्राप्त हुआ है, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। इसका कारण सामान्यतया A+ मिलना बहुत कठिन होता है मगर इस विश्वविद्यालय का जो विकास हुआ है आने वाले कुलपतियों के हाथों से वो बहुत बड़ी उपलब्धि इस विश्वविद्यालय के लिए है। इस विश्वविद्यालय में हर जो अभ्यासक्रम चलता है, जब मैं था कुलपति तब यहाँ पे 70 स्टडी कोर्सेस यहाँ पे हम चलाते थे और कई सारे ऐसे अभ्यासक्रम थे जो एक कुछ तो भी नावीन्यपूर्ण था उसमें थी और नावीन्यपूर्णता के कारण वहाँ पे वो कोर्सेस चलते थे। जैसा एक उदाहरण के तौर पे जैसा हमने वैदिक अभ्यासक्रम कराया था, अब लड़के 12-12 साल जिंदगी के देकर वैदिक अभ्यासक्रम पढ़ाई पूरी करते हैं मगर 12 साल के बाद में क्या उनका भविष्य क्या है, इस तरह का एक प्रश्नार्थक चिन्ह मेरे मन में हमेशा घूमता था। इसलिए मैंने उस वक्त ये अभ्यासक्रम तो रखा मगर उसी के साथ में अप्लाइड कंप्यूटर और कम्युनिकेटिव इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट उसके साथ में जोड़ दिए ताकि ये जो बच्चा वैदिक अध्ययन लेके आगे बढ़ेगा उसको पूरे दुनिया में कहीं भी कम्युनिकेटिव इंग्लिश के साथ में उसकी सहायता हो जाएगी और कंप्यूटर के नॉलेज के कारण वेदों का जो प्रिजर्वेशन है और कंपटीशन है वो सब आसान हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे अभ्यासक्रम योग शास्त्र के बारे में भी उसी तरह हमने अभ्यासक्रम तैयार किए थे और वो अब बहुत बड़े पैमाने पे चल रहे हैं। आज हमें बहुत सक्षम ऐसे कुलपति मिले हैं श्री हरे राम कृष्ण जी त्रिपाठी, ये स्वयं लेके इंटरेस्ट लेके इस विश्वविद्यालय की आगे चाल कैसी होगी, इस तरह विकास कैसा होगा, इसमें हमेशा पूरी तरह से ध्यान देते हैं। विश्वविद्यालय को अभी 50 एकड़ जमीन मिली है जहाँ पे विकास कार्य बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हुआ है। मुझे आशा है
कि उस विश्वविद्यालय का या उस परिसर का जब पूरी तौर से विकास हो जाएगा तो ये विश्वविद्यालय पूरे हिंदुस्तान में संस्कृत का अव्वल दर्जे का फिर से एक विश्वविद्यालय रहेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आज इस विश्वविद्यालय के और इस सौभाग्य से मुझे, मैं जब एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का अध्यक्ष था, ऑल इंडिया पूरे विश्वविद्यालय देखने का मुझे अवसर मिला था, तब भी मैंने देखा था कि इस विश्वविद्यालय को उस तरह से कैसा ढाला जाए, और उस तरह से जो सोचा था वो आज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। हालांकि मैं वहाँ नहीं हूँ, फिर भी आने वाले जो कुलपति जी हैं उन्होंने उसमें अच्छा योगदान दिया है, और आज हरे राम त्रिपाठी जी के लिए मुझे बहुत खुशी है कि उनके हाथों से भी इस विश्वविद्यालय को परम ऊंचाई तक ले जाने का हमें सौभाग्य निश्चित रूप से प्राप्त होगा। उसी तरह से आज जो एक एकेडमिक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है वो है पाठ चिकित्सा की एक्टिविटी। ये एक बहुत बड़ा उत्तम विषय है। इसका कारण क्या है कि संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, और प्राचीन भाषा में उस वक्त से धीरे 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 साहित्य निर्मित होते गई, और जैसी पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि हमारी पूरी परंपरा है श्रुति की परंपरा है, कान से सुनते जाना और उसको अपने दिलों में बिठाना है, तो इसलिए जब एक चीज़ हम रट लेते हैं या हमारे मन में आती है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है अगली पीढ़ी में या अगले पीढ़ी में, तो ये परिवर्तन का के कारण हमको मूल स्वरूप क्या था वो जानने की बड़ी उत्सुकता भी होती है और आवश्यकता भी होती है। इसलिए पाठ्य चिकित्सा करना बहुत ज़रूरी है। इस विषय को आपने यहाँ आज के लिए चुना है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पुराने काल में जब ये प्रिंटिंग प्रेस की सुविधा नहीं थी तब सभी पुस्तकों की प्रतियां हस्तलिखित हुआ करती थी, और हस्तलिखित प्रतियां जब होती है तो लिखने वाला अपनी तरह से गलती कर देता है, बहुत बार शब्दों में गलती होता है, वाक्यों में गलती हो जाती है। इसलिए जब धीरे 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 मामला आगे बढ़ता है तो पता नहीं चलता कि मूल स्वरूप क्या था, और इसलिए यहाँ पे भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सभी महाभारत जिसमें अलग अलग स्वरूप थे उनको इकट्ठा किया गया और महाभारत की एक सत्य प्रत निकाली गई जो सभी दोषों से विनिर्मुक्त थी। वैसा ही हमने देखा है कि नीति शतक जैसा ग्रंथ हो, मेघदूत जैसा ग्रंथ हो, इसमें प्रक्षेप बहुत है, ज़्यादा श्लोक। अब नीति शतक का नाम ही नीति के श्लोकों का शतक है, फिर भी हम यदि किताब खोलते हैं तो 115-116 श्लोक मिलते हैं। ये 15-16 श्लोक कहाँ से आए, प्रक्षेप हुआ, प्रकर्षण क्षिपति थी, क्योंकि जो लोग विद्वान थे उन्होंने अपने श्लोक तैयार किए उस धरती पे और वो इस किताब में डाल दिया, क्योंकि हस्तलिखित था, हम कुछ भी श्लोक डाल सकते थे उस वक्त, और उसकी जब मुद्रण हुआ तो 116 श्लोक वाला शतक तैयार हुआ। तो हालांकि ये शतक नहीं है, तो शतक मूल शतक कौन सा है ये भी ढूंढना एक पाठ्य चिकित्सा है, और इसलिए इस तरह का कार्य ये जो प्रक्षेप रहता ही है, और प्रक्षेप कभी कभी खुद जो लेखक है वो भी कर देता है। शेक्सपियर के बारे में कहा गया है कि शेक्सपियर के जमाने में उन्होंने लिखे जो नाटक थे उनका जब मंचन की प्रैक्टिस हुआ करती थी शेक्सपियर वहाँ हाजिर रहते थे बहुत बार कि ये नाटक के मंचन होना है यहाँ पे। तो इसलिए क्या होता था कि जैसा किताब यानी एक ग्रंथ करके रखना अलग है, और वो जब मंचन हो रहा तो उसमें कमी सारी त्रुटियाँ नजर आती थी, कुछ शब्दों का परिवर्तन, क्योंकि डायलॉग का थ्रो जो रहता है, डायलॉग हमें वहाँ बोलना है तो कुछ परिवर्तन करना पड़ता था, इसलिए जो स्क्रिप्ट हुआ करता था यानी प्रेजेंटेशन स्क्रिप्ट था उसमें परिवर्तन हुआ करता था। अब लिखा हुआ किताब अलग और शेक्सपियर जी ने खुद अपना परिवर्तन किया हुआ अलग, इस तरह का एडमिक्सचर होता था, उसमें मिलावट होती थी, और इसलिए क्या है दोनों अलग अलग प्रतियां यदि बनती है तो सच में शेक्सपियर का कौन सा, इसमें सवाल पैदा होता था। हालांकि दोनों ही शेक्सपियर के थे, क्योंकि एक मंचन का परिवर्तन था और एक किताब के रूप में ग्रंथ के रूप में लिखा हुआ परिवर्तन था। तो इस तरह से ये परिवर्तन जो है उसमें मूल किताब ढूंढना, मूल स्वरूप क्या है, इसमें प्रक्षेप तो नहीं है, मूल शब्द क्या था, इसमें भी बहुत बार देखना पड़ता है। भैया पाठ्य चिकित्सा जो करना है एक बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है, क्योंकि जो कर रहा है उसका भाषा प्रभुत्व होना जरूरी है, उसका शुद्धिकरण जब वो करेगा उस पाठ का तो उसमें उसका तर्क बुद्धि भी बहुत जबरदस्त होना चाहिए, जो मूल लेखक है उसकी शैली का भी ज्ञान होना चाहिए। तो ये सब इस तरह से वहाँ हुआ करता था। मैं जाते जाते सिर्फ एक किस तरह से परिवर्तन होता, दो लाइन जो सबको जानकारी है वो है सर्वे अपि सुखिनः सन्तु, ये श्लोक सबको मालूम है, सर्वे अपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। अब यहाँ पे सर्वेत्र कहीं या सर्वेत्र कहा जाता है, कहीं कहीं सर्वे अपि कहा जाता है, देखो ये पाठ भेद हो गया, चलते चलते पाठ हो गया। और उसमें दूसरा है कि माँ कश्चित दुख भाग भवेत, कोई दुख भाग न होना चाहिए, माँ कश्चित दुख मापनुयात,
कुछ पाठों में दुख अपनी याद दुख भाग भवेत। तो इस तरह क्या है, हम चलते चलते ये दोनों परिवर्तन होते हैं, तो इस परिवर्तन को देखना ये आज के इस चर्चा सत्र का एक बहुत बड़ा विषय है। मैं पुनश्च हमारे जो कुलाधिपति है उन कुलाधिपतियों पति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ कि आज उन्होंने यहाँ पे उद्घाटन करके एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। मुझे आशा है कि एक संस्थापक कुलपति के कुलपति के नाते कि मैं कुलाधिपति आदरणीय बैस साहब से प्रार्थना करता हूँ कि इस विश्वविद्यालय पे और हमारे क्रियाशील कुलपति जी पे आप आशीर्वाद रखिए और इस विश्वविद्यालय की जो आगे में जो बढ़ना है उसके लिए आपके आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। मुझे बुलाया इसलिए कृतज्ञता, धन्यवाद। धन्यवादाः आचार्यः। सारांशतः शतं वद एकं मालिख 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 इति तात्पर्यम् आचार्याणां मार्गदर्शनस्य आसीत्। सम्प्रति अहं सम्प्रार्थये माननीय राज्यपालमहोदयान् यत् ते स्वीय अध्यक्षीय भाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। नौ ऐ रिक्वेस्ट् आनरेबल् गवर्नर् सर् टु प्रिसैड् ओवर् दिस् फङ्क्षन् बै हिस् प्रेसिडेन्शियल् अड्रेस्। मान्याः श्रीमन्तः रमेशभैस्वर्याः सम्प्रार्थ्यन्ते अध्यक्षीय भाषणेन अस्माम् अनुगृह्णन्तु इति। कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय रामटेक द्वारा पाठ समीक्षा संपादन विषय पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर पंकज चांदे संस्थापक कुलपति कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठक कुलपति लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी कुलपति कवि गुरुकुल कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय प्रोफेसर मधुसूदन पेन्ना कुलपति पूर्व कुलपति डॉक्टर रामचंद्र जोशी कुल सचिव परिषद के निमंत्रक प्रोफेसर कविता होले प्रोफेसर पराग जोशी विश्वविद्यालय के विभिन्न प्राधिकरण बोर्डों के सदस्य डीन और संकाय सदस्य कर्मचारी शोधकर्ता आमंत्रित देवियों और सज्जनों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण दिन पर मिल रहे हैं। आज ही के दिन 75 साल पहले हैदराबाद और मराठवाड़ा निजाम संस्थान से मुक्त हुए और भारत का हिस्सा बने थे। आज का यह दिन हमारे जनप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है। कल के दिन कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय अपने स्थापना की 26वीं वर्षगांठ मना रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा निर्मित संशोधित छात्र भवन, रिसर्च स्कॉलर हॉस्टल तथा कुलगुरु निवास के लोकार्पण समारोह में स्वयं उपस्थित रहने की स्वीकृति दी थी, लेकिन समय के अभाव के कारण उपस्थित नहीं हो सका। मैं चाहता था कार्यक्रम के साथ सभी अधिकारियों व छात्रों से भी मुलाकात करने का अवसर मिल सकेगा। संशोधक छात्र भवन निर्माण से संस्कृत में अनुसंधान करने हेतु विभिन्न प्रदेशों तथा देशों से विश्वविद्यालय में आने वाले छात्रों को बहुत सुविधा होगी। इसके लिए मैं विश्वविद्यालय का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्कृत भाषा और साहित्य विभाग द्वारा पाठ्य आलोचना पर एक दिवसीय संगोष्ठी का भी आयोजन किया जा रहा है। हमने पढ़ा था कि संत एकनाथ महाराज ने ज्ञानेश्वरी के विभिन्न पाठ भेद का लगभग 250 वर्षों के बाद शुद्धिकरण किया था। मैं आशा करता हूँ कि आज की संगोष्ठी में भारत में पाठ्य आलोचना, महाभारत में पाठ्य आलोचना, संस्कृत और अन्य भाषाओं में पांडुलिपि अध्ययन और सॉफ्टवेयर भाषाओं में के उपयोग पर चर्चा निश्चित रूप से शिक्षकों, छात्रों और शोधकर्ताओं को
समृद्ध करेगी। इस अवसर पर मैं विश्वविद्यालय को कुलपति प्रोफेसर हरे राम त्रिपाठी जी को तथा आयोजनकर्ता प्रोफेसर कविता होले और प्रोफेसर पराग जोशी को विशेष रूप से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अक्सर विश्वविद्यालयों से कहता हूँ कि उन्हें समाज से अलग होकर काम नहीं करना चाहिए। विश्वविद्यालय समाज और देश का अभिन्न अंग है। उन्हें लोगों के बीच और लोगों के हित के लिए काम करना चाहिए। इस पृष्ठभूमि में महिलाओं को सिलाई मशीन देकर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए विश्वविद्यालय का आउटरीच कार्यक्रम वास्तव में सराहनीय है। छात्र छात्राओं, कई भाषाओं की जननी संस्कृत भारत की विरासत में गहराई से निहित है। यह दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है। सदियों से संस्कृत ने हिमालय के पहाड़ी रास्तों को पार किया है। इसने सप्त सिंधु को पार कर लिया है और इस प्रक्रिया में हमने हमारी संस्कृति को आकार दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ में संस्कृत ग्रंथों में बहुत कुछ समाहित है। वैदिक गणित संस्कृत में उपलब्ध साहित्य का एक हिस्सा है, जिसमें त्रिकोणमिति, बीजगणित और खगोल विज्ञान शामिल है। यह उस चीज की स्रोत है जिसे आज हम अंकों की अरबी प्रणाली कहते हैं। आर्यभट्ट के शून्य की अवधारणा वैदिक गणित का आविष्कार रही है। प्राचीन भारतीय गणित ने हमें पृथ्वी और अन्य खगोलीय पिंडों का आकार निर्धारित करने का सूत्र भी दिया है। यूरोप के पुनर्जागरण से बहुत पहले स्वास्थ्य चिकित्सा संस्कृत साहित्य का एक हिस्सा थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश में सुश्रुत और चरक जैसे वैद्य राज हुए हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिनती होती है। इसलिए मेरा दृढ़ता से मानना है कि हमारे संस्कृत संस्थानों को अलग थलग रहकर काम नहीं करना चाहिए। इसे सभी विश्वविद्यालयों, IIT, एम्स जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ भी काम करना चाहिए। अक्सर संस्कृत को देवताओं की भाषा कहा जाता था। इस धारणा को दूर कर इसे मनुष्यों की भाषा के रूप में प्रचारित करने की आवश्यकता है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की तरह, जिन्हें मूर्त विरासत कहा जाता है, संस्कृत भाषा अमूर्त विश्व धरोहर है जो भारतीय उपमहाद्वीप की कई भाषाओं की जननी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से संस्कृत भाषा को संजोने और संरक्षित करने का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि संस्कृत ज्ञान के पोषण और देश की एकता को मजबूत करने में मदद करती है। मेरा मानना है कि शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देंगे बल्कि अनुसंधान को भी सक्षम बनाएंगे, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और साहित्य के क्षेत्र में संस्कृत की पूरी क्षमता का पता चलेगा। इसके अलावा संस्कृत साहित्य हमारी समृद्ध साहित्यिक परंपरा के प्रमाण के रूप में खड़ा है। महाकवि कालिदास ने स्वयं ऐसा अद्भुत साहित्य निर्माण किया है जो कालजयी विश्व धरोहर है। इन कालजयी क्लासिक्स में गहराई से जाकर हम मानवीय विचार और अभिव्यक्ति के नए आयाम को उजागर कर सकते हैं। तकनीकी प्रगति के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और मशीन लर्निंग ML संस्कृत सहित सभी भाषाओं में सीखने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरे हैं। ये प्रौद्योगिकियां बुद्धिमान भाषा प्रसंस्करण उपकरणों के विकास में सहायता कर सकती है, जिससे संस्कृत ग्रंथों की
गहरी समझ और विश्लेषण की सुविधा मिल सकती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने और संरक्षित करने के महत्व को रेखांकित करती है। आपके विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में मैं संस्कृत शिक्षा को आगे बढ़ाने के आपके प्रयासों का हृदयपूर्वक समर्थन करता हूँ। आइए हम इस प्राचीन भाषा की अपार क्षमता को उजागर करने और इसके ज्ञान को हमारे आधुनिक समाज में ताने बाने में पिरोने के लिए मिलकर काम करें। मैं इतना कह सकता हूँ कि अभी लोग बोलते हैं कि संस्कृत भाषा पढ़ने से हमको नौकरी नहीं मिलेगी, हम संस्कृत क्यों पढ़ें? लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि आने वाला समय संस्कृत का होगा। इसी से पता चलता है कि जर्मन ने संस्कृत का विश्वविद्यालय खोला है। जब जर्मन के लोग संस्कृत सीखने के उत्सुक हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि कंप्यूटर के लिए अगर कीबोर्ड संस्कृत में बनाया जाए तो वो जो अंग्रेजी से ज्यादा अच्छा होगा। जब जर्मन इतना आगे सोच रहा है तो हमें भी संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विश्वविद्यालयों को उनके स्थापना दिवस की बधाई देता हूँ और आज की संगोष्ठी में आप सभी के सार्थक विचार विमर्श की कामना करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जयंतु संस्कृतम, जयंतु भारतम। धन्यवाद महोदयः। Indeed, it was well explored that the tradition for innovation, yad asmakam vishwavidyalayasya vakyam vartate, bhavishyam sanskritashritam, navonmesha navacharaha, samashrita paramparaha, tasya ayam saraha, mananiyanam, rajyapala mahodayanam, bhashanena asmabhi sampraptaha, vayam tathaiva ashasmahe yat tatha prayasaha asmakam avishyam bhavishyati yat agamini kale sanskritasya bhavishyam ujjvalam syat. Bhurishaha dhanyavadaha acharyaha shrimantah Ramesh Baisavaryaha. साम्प्रतं कार्यक्रमस्य औपचारिकं कृतज्ञता निवेदनं कर्तुम् अहं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिव महोदयान् डॉक्टर रामचंद्र जोशीवर्य महोदयान् संप्रार्थये यत् ते स्वीय धन्यवाद भाषणम् उपस्थाप्य अनुगृह्णन्तु इति। नमस्सभाय साध्य साक्षाय राष्ट्रहिताय संस्कृतम्। महाराष्ट्र राज्य सर्वकारस्य आर्थिक अनुदानेन विनिर्मितस्य संशोधक छात्राणां छात्रावासस्य लोकार्पण समारोहे, कुलगुरु निवासस्य लोकार्पण समारोहे तथा केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः नवदेहली इत्यस्य अनुदानेन टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म इन संस्कृत लिटरेचर इति विषये आयोजितस्य राष्ट्रीय सम्मेलनस्य उद्घाटन समारोहे अद्य अधिमंच विराजमानः विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलाधिपतयः तथा महाराष्ट्र राज्य मान्याः राज्यपालः श्रीमन्तः रमेश बैस महाभागा समारोहस्य यजमानः मान्याः कुलगुरवः आचार्या हरेराम त्रिपाठी महोदयः दिल्लीस्थ लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत पीठा विद्यापीठस्य मान्याः कुलगुरवः आचार्याः मुरली मनोहर पाठक वर्यः विश्वविद्यालयस्य संस्थापक कुलगुरवः आचार्याः प्रंकज चांदे महोदयः महाकवयः आचार्य पिन्ना मधुसूदन महोदयः प्राध्यापिका कवि डॉक्टर कविता होले एवं प्रोफेसर पराग जोशी महोदयः तथा सभागृहे समुपस्थितः व्यवस्थापन परिषदः मान्याः सदस्याः अध्यापकाः अधिकारिणः कर्मयोगिनः निमंत्रिताः आत्मीयाः छात्रांच सर्वेभ्यो मम अभिवादनम्। अष्टो गुणाः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा सुशीलत्वदमयो श्रुतंच पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च एते सद्गुणे युक्ताः ज्ञानेन कर्मणाः अनुभवेन च ज्येष्ठाः अतिथयः अद्य अस्मासु विराजन्ते अति अस्माकं भाग्यमेव। कुलाधिपतिपदम् अलंकृत्य प्रथमवारं अस्माकं विश्वविद्यालयम् आगत्यं
यत्र भवन्ति लोकार्पण समारोह यशस्वी कृत इत्यंता राज्यपाल वर्ये भ्या श्रीमत रमेश बैस महाभागा धन्य धन्यवादन विनीतोमि। अस्माकं निमंत्रण स्वीकृत अद्य अस्मासु उपस्थिता च अस्मान बहुमूल्य मार्गदर्शन कृतिमिति मान्येभ्यः मुरली मनोहर पाठक वर्येभ्यः कृतज्ञता ज्ञापयामि। विश्वविद्यालयस्य स्थापनात् अद्य पर्यंत विश्वविद्यालयस्य उन्नतये सततं प्रयतमानाः मार्गदर्शनं क्रियमाणाः आचार्याः पंकज चांदे महाभागाः यद्य अत्र उपस्थिता अस्माकं उद्बोधनं अकुर्वम् इत्यतः तेभ्यं धन्यवादः। अस्य समारोहस्य यजमानाः अस्माकं प्रेरणास्थानं कुलगुरवः आचार्य हरेराम त्रिपाठी महाभागाः भवतां प्रेरणया मार्गदर्शनेन च एषः समारोह सफल अभवत् अहं भवतां ऋणी अस्मि। इदं संशोधन छात्रभवनं तथा कुलगुरुनिवासः महाराष्ट्रराज्यसर्वकारस्य आर्थिक अनुदानेन विनिर्मितः इत्यतः अहं महाराष्ट्रराज्यसर्वकाराय मनसा साधुवादाय ज्ञापयामि। तेषां सहयोगेनैव विश्वविद्यालयः प्रतिदिनम् उन्नतावस्था प्राप्नोति। अस्मिन् प्रसंगे टेक्स्चुअल क्रिटिसिज्म इन संस्कृत लिटरेचर इति विषये आयोजितस्य राष्ट्रीयसम्मेलनस्य कृते केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयतः अनुदानं प्राप्तं। तेन शास्त्राध्ययनम् एषः प्रवाहः इतोपि प्रशस्तः भवेदिति विश्वासः वर्तते। अतः तेभ्यः अपि धन्यवादः। लक्ष्म्याः सहयोगेन सरस्वती पोषितः भवति इति अत्रं वैशिष्ट्यं। सभागृहे उपस्थिताः व्यवस्थापन परिषदः मान्याः सदस्याः अधिष्ठातारः अध्यापकाः सम्मेलनाय समागताः तज्ञाः संविधानिक अधिकारिणः प्रसिद्धिमाध्यम प्रतिनिधयः विभिन्नेषु कार्येषु सहायभूता सर्वे उक्तानुक्ता कर्मयोगिनः च सर्वेभ्यो मम कार्तं निवेदयामि। ओम सर्वेश्वाम स्वस्तिर्भवतु, सर्वेश्वाम शांतिर्भवतु, सर्वेश्वाम पुनर्भवतु, सर्वेश्वाम मंगलं भवतु। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। धन्यवादः डॉक्टर रामचंद्र जोशीवर्यः। वस्तुतः इमे अस्माकं कुलसचिवः। एतेषां मार्गदर्शने कार्यक्रमस्यास्य आयोजनं विभिन्न समिति समन्वयकानां माध्यमेन कृतं वर्तते। अतः प्रसंगेस्मिन् तेषां समिति समन्वयकानां च सर्वेषाम् अहं कार्तज्ञं वितनोमि। सम्प्रति राष्ट्रगीतेन कार्यक्रमस्यास्य समापनं भविता, तदर्थम् अहम् अत्र छात्राः सम्प्रार्थये राष्ट्रगीतगायनाय। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिष मागे, गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सर्वेषामपि धन्यवादाः। कार्यक्रमः अयमत्र समाप्तः इति माननीयानाम् अध्यक्षानाम् अनुमत्या अत्र उद्घोषयामि। अपि च मञ्चस्थाः मान्यवराः सम्प्रार्थ्यन्ते। इदानीं प्रत्यक्षतया तत्र भवनस्य लोकार्पणं विधाय अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। सभागृहे उपस्थिताः सूच्यन्ते, ते अत्रैव भवन्तु। अचिरादेव पुनः अग्रिमसत्रस्य आरम्भः भवति। सर्वेभ्योपि धन्यवादाः। ओं स्वस्ति।